फलौर विच सके भरा नूं रोटी दी खातर उतारिया मौत दे घाट। जी हां, तुहानूं दस्सदी है कि थाणा फलौर दी पुलिस वल्लों अन्ने कतल दी गुत्थी नूं सुलझांदे होए असल दोषी नूं गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, तुहानूं दस्सदी है कि मानजोत संदीप गर्ग IPS सीनियर पुलिस कप्तान जलंधर अध्याती जी दे दिशा निर्देशां हेठ श्री मनप्रीत सिंह ढिल्लों PPS पुलिस कप्तान इनवैसटीगेशन जलंधर अध्याती ते सहेल कासमीर IPS पुलिस कप्तान सब डिवीजन फलौर की अगवाई हेठ माड़े अंसरां दे खिलाफ चलाई गई विशेष मुहिम तहत कार्रवाई करते हुए इंस्पैक्टर संजीवपुर मुख अफसर थाणा फलौर नूं उस समय भारी सफलता हासिल हुई जदों अन्ने कतल की गुत्थी नूं सुलझाते हुए असल दोषी नूं गिरफ़्तार कर लिया। इस संबंधी जानकारी देंदे हुए सहेल कासम मीर IPS पुलिस कप्तान सब डिवीजन फलौर जी ने दस्सिया कि मुकदमा नंबर 381 मिति 30/12/2020 जुर्म 307/379 थाणा फलौर वर बयान जिमी अरोड़ा पुत्र अशोक अरोड़ा वासी फलौर के बयाना ते दर्ज रजिस्टर किया गया सी कि वह मिति 24/12/2020 ते उसका भरा लक्की अरोड़ा जदों लुधियाणा तो अपनी एक्टिवा ते फलौर नज़दीक धर्मकंडा पुजे तो उन्होंने कुछ व्यक्तियों ने एकदम हमला कर दिता। जैमी अरोड़ा मदई मुकदमा उसका भरा लक्की अरोड़ा दे काफ़ी सट्टा लगियां अते अणपछाते व्यक्ति उन्हां तो 16,000 रुपए की नकदी भी खो के लै गया जो कि लाजे दौरान लक्की अरोड़ा DMC हस्पताल लुधियाणा 31/12/2020 उसकी मौत हो गई जिसते मुकदमा हजा विच वाधा 302 किया गया जो कि थाणा फलौर की पुलिस वल्लों मुकदमे की तफ्तीश टैक्नीकल तरीके अते खुफिया सोर्सां राही करन ते इह गल सामने आई कि मिति 24/12/2020 जैमी अते लक्की अरोड़ा दी घर विच रोटी नूं लैके लड़ाई होई सी जिस करके जैमी अरोड़ा ने तैश विच आण के लक्की अरोड़ा दे पेट विच अते दिल दे करीब खब्बे पासे 2 चाकू नाल वार किते जिस करके लक्की अरोड़ा दी मौत हो गई। जो पुलिस वालों दोषी जिमी अरोड़ा नूं गिरफ्तार कर लिया है ते वारदात विच वरत्या गया चाकू भी बरामद कर लिया है। 29 दिसंबर को हमारे पास इंटीमेशन आई थी कि फलौर के दो बंदे एक लक्की और जैमी जो बेसिकली ब्रदर्स है लुधियाने के DMC फलौर मैं दाखिल है, इनको सट्टा सुट्टा लगी है। तो उस इंटीमेशन के बिहाब पे हमने अपने मुलाजिम वहाँ पे रवाना कर दिए और वहाँ पे जैमी का स्टेटमेंट हुआ जिसमें उसने लिखा कि 24 तारीख की रात को दोनों ब्रदर्स लुधियाना से अपनी एक्टिवा मोटरसाइकिल पे आ रहे थे और जब ये फ्लोर के नज़दीक पहुँचे तो कुछ अणपचाते व्यक्तियों ने इन पर हमला कर दिया। तो उसकी स्टोरी के बेसिस पे हमने 30/12/2020 को 307/379 का पर्चा दर्ज किया। इसके बाद फिर सब्सिक्वेंटली कुछ दिनों बाद लकी की डेथ हुई एंड उसमें वादा जुर्म करके हमने 302 इसमें ऐड कर दिया। फिर पुलिस तफ्तीश हम करते रहे और इसमें CDR एनालाइज करते रहे जहाँ जहाँ पे इसका इनिशियली इलाज हुआ था हॉस्पिटल में वहाँ पे हमने CCTV फुटेज चेक किया तो हमें कुछ चीज़ें सस्पिशियस लगी। उसके बेसिस पे फिर हमने लकी की सॉरी जैमी की क्वेश्चनिंग की उसको एंड ही कन्फेस्ड बिफोर द पुलिस कि उसने वारदात की। बेसिकली इसमें क्या हुआ था कि ये जो दोनों ब्रदर्स हैं शाम में करीबन 8 बजे 24 तारीख को घर बैठे थे, बोथ वर ड्रंक, इनमें आपस में कहाँ सुनी हुई एंड इन द हीट ऑफ द मोमेंट जो जैमी है उसने लकी के छाती पे चाकू चलाए एंड उसके बाद जब उसको सीरियस इंजरीज हुई उसको हॉस्पिटल ले गए थे, फिर DMC उसको रेफर किया गया एंड फिर 2-3 बाद वहाँ पे उसकी डेथ हुई एंड अभी हमने इसमें जैमी को गिरफ्तार किया हुआ है एंड फ्रॉम हिम हमने जो मर्डर वेपन है वो भी उनसे रिकवर किया है एंड दिस वे ये ट्रेस हो चुका है और जो बंदा इसमें अक्यूज है हमने उसको गिरफ्तार भी कर लिया है। सर, इसमें कुछ और भी बंदे इन्वॉल्व हैं या सिर्फ जैमी था? नहीं, एज ऑफ नाउ इन्वेस्टिगेशंस आर ऑन, अभी तक उसी का मतलब रोल लग रहा है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन और चल रही है, कुछ और भी तथ्य फैक्ट सामने आते हैं तो दे वुड बी पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सर, लड़ाई का कारण पता दोनों भाइयों के बीच? लड़ाई का कारण ये है कि बेसिकली हीट ऑफ मोमेंट, बोथ वर ड्रंक, इसने कुछ जो मेरे सुनने में आया कि रोटी बनाने के लिए बोला था, द अदर ब्रदर डिडंट कंप्लाई, तो उस वजह से थोड़ा सा गुत्थम गुत्था हुई एंड दिस हैपेंड।